तो और क्या हाल है भाई लोग। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं कि जो केस टू के आईडी बैन का जो मैटर चल रहा था उसमें क्या फॉलोअप हुआ है, कहां तक बात आगे बढ़ी है। तो भाई मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे आप इन गेम कस्टमर केयर में प्लेयर्स को रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक उसी तरीके से आप पबजी को ईमेल के थ्रू भी प्लेयर्स को रिपोर्ट कर सकते हो। तो भाई मैंने भी वही करा, मैंने ईमेल के थ्रू भी उनको रिपोर्ट करा और ये पूरे मैं मेल का जो एक स्क्रीनशॉट का वीडियो वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो 15 जुलाई को मैंने मेल करा था जिसके रिगार्डिंग मुझे कुछ नॉर्मल सा रिप्लाई आया था। तो फिर से मैंने मेल करा 16 को जिसके रिप्लाई में 17 तारीख को आया। और आप लोग चाहो तो ये जो ईमेल आईडी है ये आप नोट डाउन कर सकते हो और आप मिला सकते हो जहां मर्जी वहां से कि ये पबजी का ही कस्टमर केयर का ईमेल आईडी है। तो फाइनली 17 तारीख को मुझे एक रिप्लाई आया और वो रिप्लाई भी सेम वही था कि ये जो बंदा है 5108853226 यानी कि जो केस टू की मेन आईडी है वो आईडी से जो लिंक मैंने भेजा था वीडियो का वो सस्पिशियस है और उनको बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के बाद मिला है सब्सटैंशियल प्रूफ कि वो चीटिंग मेथड यूज़ कर रहा था और उसका अकाउंट बैन होगा। एक बार फिर से आप लोग मेल वगैरह चेक कर लो, ये पॉज करके यहाँ पे, और जो भी मेल इसमें दिखा रहा है वो एड्रेस नोट करके आप चेकआउट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब क्यों आईडी बैन नहीं हो रही है, पबजी पार्टनर का टैग छिन गया है कि नहीं छिना है, जो क्वेश्चंस भी है मैं अपने एंड से बस फॉलोअप कर सकता हूँ और फॉलोअप मैं कर रहा हूँ। मैं रोज़ मेल डाल रहा हूँ पबजी में और जैसे ही कुछ सॉलिड कॉन्क्रीट आता है तो मैं आप सब लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगा। और मीनवाइल आप लोग ये कर सकते हो कि जो भी सोशल मीडिया की न्यूज़ दिखाते हैं उन लोगों को आप लोग जाके मेल कर सकते हो, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो कि ये मैटर दिखा तो सही भाई, सच्चाई और झूठ का फैसला तो पब्लिक कर लेगी लेकिन तू दिखा तो सही, तेरा तो काम है दिखाना ना, तो ये मैटर तू दिखा तो सही, दिखा क्यों नहीं रहा। तो खैर ये तो बात होगी केस टू वाले मैटर की, अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की। तो भाई ये वीडियो MRX हिंदी गेमिंग के ही ऊपर है और मुझे पता है बहुत शॉकिंग है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, और कैसे शॉकिंग है ये सब मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो बनाने के टाइम पे जब मैं इसके पुराने वीडियोस बिल्कुल स्टार्टिंग के वीडियोस देख रहा था तो भाई मुझे एक ही बात आ रही थी दिमाग में कि ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है, ये बंदा बिल्कुल ट्रू गेमर है, जिसको रियल गेमर बोलते हैं वो ही है ये बंदा। और अगर ये बंदा अनफेयर मीन्स नहीं यूज़ करता तो हो सकता था कि आज ये वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स होता पबजी का भी और गेमिंग कम्युनिटी में भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता था ये लड़का। इतना ये शार्प है, इतना गेम सेंस अच्छा है इसका, इतना बढ़िया एमिंग है, सब कुछ परफेक्ट है इस बंदे का। लेकिन बोलते ना भाई, समय और सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बंदे को ना चाहते हुए भी गलत कदम उठाने पड़ते हैं और इसके साथ भी वही हुआ। और क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। और एक बात और भाई, इसका दूसरा पार्ट मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि भाई ये वीडियो बनाने के टाइम पे ही मुझे बीच बीच में काफ़ी बार ख्याल आ रहे थे कि ये बंदा हैकर नहीं हो सकता, ये बंदा हैकर नहीं हो सकता। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि इसने भी अनफेयर मीन्स यूज़ किए हैं और इसने भी स्पेक्टेट हैक यूज़ किया है इन गेम। तो भाई लोग अगर आप इसके स्टार्टिंग के गेम प्लेस वगैरह देखोगे तो उसमें आपको पबजी के गेम प्लेस बहुत ही कम मिलेंगे और ज़्यादा करके आपको पीसी के गेम प्लेस मिलेंगे, जैसे कि हिटमैन 2 इसने पूरा कंप्लीट करके उसको गेम प्ले बना के डाला हुआ था। क्योंकि एक ही गेम को आप कितना लेके जा सकते हो भाई, ऑलमोस्ट अभी के डेट में अगर देखें तो लगभग 2.5 साल से भी ऊपर हो चुका है पबजी का और फिर भी हम एक ही गेम में घुसे हुए हैं, वो भी पबजी मोबाइल में। तो भाई गेमिंग का जो फ्यूचर है ना वो पीसी गेम से ही है, ठीक है। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट पर्सन शूटर गेम होता है FPS उससे ही है। तो TPP से ठीक है, चलो इंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है और गेम भी पबजी अच्छा है, लेकिन सिर्फ मोबाइल में रह के आप गेमिंग कम्युनिटी को राइज नहीं करा सकते। और सुनो कि उस टाइम पे इसके क्या थॉट थे, क्या थिंकिंग थी इसकी, ये सुनो जरा आप। तो यार गेमिंग को ऐसे सपोर्ट करते रहो, इंडिया में गेमिंग बहुत बड़ी हो सकती है यार, आप सोच नहीं सकते। सिर्फ पबजी को मत सपोर्ट करो, पबजी को भी करो यार, मस्त गेम है। देखो मैं खुद खेल रहा हूँ, लेकिन और गेम अगर मैं गेम प्ले डालूँ तो उसे भी एक बार चेक कर लिया करो, क्या पता आपको अच्छा लग जाए। मतलब अच्छा लगे तो देख लो, नहीं तो नहीं देखो, पर 2 मिनट तो कम से कम देख लिया करो ना, क्या पता यार आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए और आप भी फिर क्या पता उस गेम को बाद में खेल लो। तो भाई लोग मैं भी यही बात बोलता हूँ एग्जैक्टली कि भाई देखो पबजी बहुत अच्छा गेम है, बहुत मज़ा आता है खेलने में, ग्राफिक्स अच्छे हैं, बेसिकली एक पीसी गेम का मज़ा दे देता है पबजी मोबाइल। लेकिन इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं जिनके पास लो एंड डिवाइस है। लो एंड कहने का मतलब कि 12,000 15,000 20,000 का भी डिवाइस जिनके पास है वो भी डिसएडवांटेज में होते हैं, नेटवर्क का इशू हो जाता है,
तो जिनके पास आईपैड है या हाई एंड 40,000-50,000 का फ़ोन है उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। तो ये सब अनफेयर है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई जो गेमिंग कम्युनिटी राइज करेगी तो वो सिर्फ एक गेम की वजह से राइज नहीं करेगी, वो सब गेम की वजह से राइज करेगी। तो भाई ये सब बातों के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, अभी बात कर लेते इस वीडियो की। तो भाई मैं बता देना चाहता हूँ कि सीज़न 5 से पहले हमारे MRX भाई इमुलेटर पर खेलते थे और सीज़न 5 में उन्होंने मोबाइल पर स्विच करा और मोबाइल पर स्विच करने के साथ साथ ही आईपैड पर स्विच करा और आईपैड पर स्विच करने के बाद इसने 18 फरवरी 2019 को एक गेम प्ले डाला जिस गेम प्ले में इसने सोलो वर्सेस स्क्वाड में 21 किल करे थे। और वो गेम प्ले की खास बात ये है कि वो गेम प्ले खेला गया था यूरोप सर्वर में। और आप कहोगे क्या प्रूफ है, तो भाई ऊपर चल रहा है ये प्रूफ, आप देखते जाओ और मिलाते जाना सब कुछ। तो यूरोप सर्वर में उसने करे थे 21 किल्स और 21 किल्स यूरोप सर्वर में करे थे। तो इसका टीयर क्या था, तो टीयर अगर आप देखोगे तो टीयर था ब्रॉन्ज 1 से लेके सिल्वर 4 तक, मतलब कि सीज़न 4 में इसने एंड करा था ब्रॉन्ज 1 में यूरोप सर्वर में और सीज़न 5 का एंड करा था सिल्वर 4 में, तो इसी टीयर के बीच में था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि MRX के जैसा गेमर जिसका सब कुछ अच्छा था, गेम सेंस अच्छा था, एमिंग अच्छी थी और एक एक्सपीरियंस्ड गेमर था, उसको भी सोलो वर्सेस स्क्वाड में 20+ किल करने के लिए उस टाइम पे आईपैड के साथ भी लो टियर में खेलना पड़ा दूसरे सर्वर में, तब जाके हुए। ये मैं किसी का हैक बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि कितना मुश्किल होता है सोलो वर्सेस स्क्वाड में किल्स निकाल के चिकन डिनर निकालना। तो भाई लोग अब बात कर लेते हैं हैक्स की, यानी कि स्पेक्टेट हैक की। तो भाई इसने जो पहला गेम प्ले डाला था 30+ किल्स का, वो डाला था सीज़न 7 में 28 जून 2019 को, जिसमें इसने करे थे 31 किल्स। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देना चाहता हूँ MRX गेमिंग के बारे में कि अगर आप इसकी वीडियोस देखोगे तो ये इतना सफाई से एडिट करता है ना कि आपको कभी भी नहीं दिखेगा कि बंदे के पास ये पहुंचा कैसे, वो पूरा सीन कट कर देता है। तो इसके वीडियोस में हैक निकाल के दिखाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जैसा सा काम है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो गेम प्ले था पहला 30+ किल का उसमें से कुछ निकाल के दिखाऊँ। 3 क्लिप है मेरे पास, देखो अगर कन्विंसिंग लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो कोई बात नहीं है। भाई लोग इस क्लिप में जॉर्जो पर पूरा क्लियर हो चुका था, पूरा क्लियर होने के बाद इसके जो टीममेट्स हैं रैंडम वो सब मर चुके थे, लेकिन एकदम से इसने स्विच करा कि यहाँ पे पीछे आके एक बंदे को जो कि सोलो था, कोई गोली की आवाज़ नहीं, उसको मार दिया। सेकंड वाले क्लिप में सीधे इस घर में दिखाने के बाद इससे दिखाया कि पीछे से दो बंदे आ रहे हैं जोन से, उनको मार दिया। और यहाँ पे जो फुटस्टेप आपको मैप में दिख रहा है वो बेसिकली एक दूसरे बंदे का है जो कि आपको थोड़ी देर के बाद दिखेगा। ये दो बंदे के बाद एक बंदा और होता है, उसके ही फुटस्टेप आ रहे थे, तो ये नहीं बोल सकता कोई कि फुटस्टेप की वजह से उसको पता चले। तो ये दूसरा बंदा है जो जोन से आ रहा था जिसको ये मारता है, और जिसके फुटस्टेप आपको मैप में दिखाए दिए थे वो बंदा अभी आ जाएगा, देखो ये उस बंदे को इसने मार दिया। तो भाई वही कह रहा हूँ कि सीन इतना सफाई से कट करा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि बंदे के पास पहुंचा कैसे। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे क्लिप की। तो इस क्लिप में भाई रैंडमली कहीं पे भी बीच में इसने गाड़ी रोक दी और स्नाइपिंग करना शुरू कर दिया। भाई इस पे भी मुझे कोई डाउट नहीं है ज़्यादा कि चलो ठीक है कन्विंसिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखना कि सीन कट करके सीधे एक पेड़ के पीछे छुपे हुए बंदे को ये मारेगा, भाई तो ये सब जो है ना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो भाई जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि इसकी एडिटिंग इतनी साफ सुथरी है और इतना ज़्यादा एडिट कर देता है ये कि उसमें से कुछ भी दिखा पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम लोग दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर देंगे। पहला तो ये है कि स्टैट कंपेयर कर लेते। तो भाई अगर आपको स्टैट देखना है तो आप ये स्टैट देखो, एक बार ये चार्ट देखो, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। भाई लोग ये चार्ट आप लोगों के मन के सारे डाउट्स को दूर कर देगा। अभी आपको पता है कि PMWL चल रहा है और PMWL में हमारी तीन जो अच्छी अच्छी टीम्स है, OR की टीम है, TSM की टीम है और IND की टीम है। इस तीन टीम से तीन बंदे OR स्काउट, TSM जॉनाथन और IND स्नैक्स का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ और ID नंबर के साथ है, जिनको भी चेक करना है पाउस करके चेक कर लो, ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। सीज़न 2 से लेके सीज़न 13 तक का जो हाईएस्ट किल का डेटा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्काउट का अगर आप देख लो तो थ्रू आउट 30 के नीचे ही है, 28, 29, 26 सब गया लेकिन 30 के नीचे ही है और थ्रू आउट सिमिलर है। TSM जॉनाथन का भी अगर आप देखो तो क्योंकि वो बहुत अच्छा असॉल्टर है तो उसने सीज़न 10, 11 और सीज़न 13 में 30+ किल करे हैं, लेकिन उसके अलावा सब में आप देखोगे तो 30 के नीचे ही है। IND अगर स्नैक्स की बात कर लें तो उसके भी 30+ किल्स एक बार भी नहीं हुए हैं और 30 के नीचे ही उसके मोस्ट किल्स हैं। ये हैं हमारे एक्चुअल प्रो प्लेयर्स जो कि कॉम्पिटिटिव खेल रहे हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ जो कि ये फेक प्रो प्लेयर्स हैं। जो तीसरा मैंने MRX का करा है, पहले मैंने K2 का करा था, सेकंड नंबर उज्जवल का करा है, थर्ड ये MRX का है। अगर आप इनका डेटा देखोगे तो आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी। कॉमन चीज़ क्या नज़र आएगी कि सीज़न 8 के बाद से तीनों के 30+ किल्स हैं।
अगर आपको उज्ज्वल का देखना है तो उज्ज्वल की ये सेकंड आईडी के मैं दिखा रहा हूँ। उज्ज्वल के फर्स्ट आईडी में अगर आप जाओगे तो फर्स्ट आईडी में सीजन 7 के बाद उसने गेम प्ले उस आईडी से अपलोड नहीं करा है, इसी आईडी से अपलोड करा है। तो ये डेटा है आपको फेक प्रो प्लेयर्स का। तो इसमें एक कॉमन बात यह है कि सबकी जो प्रोनेस है वो सीजन 8 के बाद से आई, जबकि आईपैड सब लोग यूज़ कर रहे थे इसके काफ़ी पहले से। तो ये कैसे हुआ, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ ये कैसे हुआ। ये हुआ ऐसे कि सीज़न 6 के मिड और एंड के बीच में आया था स्पेक्टेट ऑप्शन, और उसी के बाद से सबसे पहले हमारे MRX भाई ने उसको यूज़ करना शुरू करा, और फिर उसको देख के बाकी लोगों ने भी यूज़ करना शुरू किया। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि MRX बहुत ही इंटेलिजेंट गेमर है, बहुत ही शार्प है, तो उसने ये फिगर आउट कर लिया कि अगर इस तरीके से करेंगे तो जल्दी ग्रोथ मिलेगी। क्यों, क्योंकि उसने करके देख लिया था PC गेम्स वगैरह, 2-3 रेसिडेंट एविल वगैरह के भी डाल के देखे थे, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं मिल रही थी, और PUBG पे ही वाहवाही मिल रही थी, तो उसके पास भी कोई चारा नहीं था। अगर आपको अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो यही उसने करा। और इसके बाद भी अगर किसी को डाउट है तो भाई मैं आप लोगों का डाउट क्लियर तो नहीं कर सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि इस बंदे की आईडी को भी मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ, और इसके रिगार्डिंग भी कोई भी न्यूज़ आती है तो वो आप सब लोगों से मैं शेयर करूँगा। और हाँ भाई, एक बात और लोग बोलते हैं, एक बात और क्या बोलते हैं कि भाई इसने तो हैंडकैम का वीडियो डाला है तो ये हैकर कैसे हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसने जो हैंडकैम का वीडियो डाला था उसमें करे थे 22 किल्स, वो था प्लेटिनम टियर में, ठीक है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास कैम है, आप हैंडकैम की वीडियो सबूत के तौर पे जो डालते हो कि भाई हम हैकर नहीं है, अगर आपके पास कैमरा है और आपके पास फैसिलिटीज़ हैं तो आप फेस कैम वीडियो क्यों नहीं डालते हो, जैसे हमारे कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स डालते हैं, स्कॉट डालता है, जोनाथन डालता है, ओवैस डालता है, मॉर्टर डालता है, अंतर्यामी गेमिंग भी डालता है भाई। और ये बहुत ज़्यादा चलन में आ गया है कि भाई अगर आपको लोग हैकर कहें, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, तो आप एक हैंडकैम वीडियो डाल दो। अभी पीछे देख लो कि लेजेंड एक्स और गेमिक्स प्रो ने भी हैंडकैम वीडियो डाला था, केस्टू ने भी हैंडकैम वीडियो डाला है। तो भाई हैंडकैम वीडियो डालने की अगर फैसिलिटी तुम्हारे पास है तो तुम्हारा फेस तो सबको नोन है, सब जानते हैं तुम्हें, सब ने तुम्हारा फेस देखा हुआ है। मेरे जैसी स्थिति तो नहीं है कि किसी ने मेरा फेस नहीं देखा हुआ तो मैं नहीं दिखा सकता, तुम लोगों का फेस तो सबने देखा हुआ, तो तुम लोग फेस कैम की वीडियो क्यों नहीं डालते हो, हमेशा के लिए झंझट ही खत्म कर दो। ये क्या हुआ कि साल भर में एक बार एक हैंडकैम का वीडियो डाल दिया और सारे पाप धुल गए तुम्हारे, ऐसा नहीं होता भाई। तो भाई मैं सब पब्लिक, जितनी भी पब्लिक है, आप मेरे पे भरोसा करो या नहीं करो, जो मर्जी करो, मुझे जो कहना है कहो, निगेटिव कमेंट्स करो, मेरे चैनल रिपोर्ट करो, मेरा जो करना है करो, ठीक है। दो बात मैं बोलना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके जितने भी चहेते प्लेयर्स हैं उन सब लोगों को बोलो कि भाई तुम फेस कैम वीडियोज डालो, तुम जो मर्जी डालना है, गेम प्लेज बना के डालना है डालो, लाइव स्ट्रीम नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन जो भी गेम डालो वो फेस कैम बना के डालो, तभी सारी असलियत सामने आएगी। और दूसरी बात ये कि भाई पबजी के अलावा बाकी गेम्स को भी सपोर्ट करो, अपना इंटरेस्ट दिखाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे टिकटॉक एक टाइम पे बंद हो गया था उस तरह से अगर पबजी बंद हो गया तो फिर आप लोग कहाँ जाओगे और क्या करोगे। और भाई लोग ये बात तो सबको पता है कि MRX नूब लॉबी में खेलता है, बहुत ही लो टियर में खेलता है, वो खेलने के लिए वो बहुत जल्दी जल्दी मर के फिर लो टियर में चला जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर मिल जाएंगी, कोई भी वीडियो आप अगर चाहो तो सर्च करके देखना चाहो तो देख सकते हो। तो भाई नूब लॉबी में खेल के ESP यूज़ करके 30+ किल्स अगर कर भी रहे हैं तो वो रियलिस्टिक नहीं है, और आप लोगों को उससे क्या सीखने को मिलेगा, वो पॉसिबल ही नहीं है जो चीज़ उससे आप क्या सीखोगे। और सीखना है तो उससे सीखो जो कि एक्चुअल में प्रो प्लेयर्स हैं, जिसका खुद का टियर डायमंड में है, और आपका टियर अगर क्राउन में है तो आप क्या सीखोगे डायमंड वाले से, आप तो खुद उससे बेटर हो ना, तो आपको क्या सीखने को मिलेगा। और जो सीखने की बातें होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, वो बेसिकली सबको पता है क्या करना चाहिए पबजी में, नहीं करना चाहिए, 2 साल से ऊपर हो गया तो सबको पता है कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो भाई मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको और अच्छा गेम प्ले अपना बनाना है तो अपने से ऊपर वालों को देखो, तुम हो क्राउन टियर में और तुम देख रहे हो डायमंड टियर वालों को, तुम्हारा गेम प्ले कैसे इंप्रूव होगा मुझे समझाओ ज़रा। और एक गेम पे मत रहो, फिर से और आखिरी बार मैं बोलता हूँ, बहुत सारे गेम्स हैं, उन सब गेम्स को ट्राई करो, उन सब गेम्स को खेलो और उन सब गेम्स को सपोर्ट करो, अगर इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को अगर आपको राइज पे लेके जाना है तो, क्योंकि आपको ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है गेमिंग इंडस्ट्री, और इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन खेलती है गेम्स, और वो लोग अगर राइज नहीं कर पाएंगे तो इससे बुरी बात कोई भी नहीं हो सकती हम सब लोगों के लिए। तो भाई मैं बस ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगा, और कुछ मुझे बोलना नहीं है। तो दूसरे गेम्स को मौका दो, अपने प्लेयर्स को बोलो कि फेस कैम करेंगे, और भाई MRX से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई अभी भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी एज ए गेमर, क्योंकि तुम्हारा गेम प्ले मुझे जहाँ तक कि पता है कि जितने भी फेक प्रो प्लेयर्स हैं उन सब में सबसे अच्छा गेम प्ले तुम्हारा है, और तुम बहुत अच्छा कर सकते हो मुझे पता है।
तो भाई बस अब और ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप लोग अपने ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालो, और बस वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।